तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक छोटी सी ट्रॉली का रिव्यू। ये बन रही है अशोक मेटल वर्क्स फर्म में और इसको बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, क्या क्या इसकी ख़ास बातें हैं, किस तरह का हाइड्रोलिक पंप इसमें यूज़ किया है, कौन सा ट्रैक्टर इसको चला पाएगा और कितनी इसकी क्षमता है, सब कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान सचिन साहू जी जो यहाँ के मेन टेक्नीशियन हैं, इन्होंने ही इस ट्रॉली को डिज़ाइन किया है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं क्या क्या खास बातें हैं इसमें जो कि ट्रैक्टर के लिए सुटेबल बनाती हैं और कौन से ट्रैक्टर इसको यूज़ कर पाएंगे। तो सचिन साहू जी, ये कितने HP के ट्रैक्टर के लिए है ये ट्रॉली? ये 15 HP के लिए उपयुक्त है। तो कौन कौन से ट्रैक्टर आते हैं जो 15 HP के हैं जो इसके लिए उपयोगी हैं? सोनालिका आता है, महिंद्रा है अपना और युवराज है, स्वराज में भी आते हैं, कोटा में फोर व्हील भी आता है, उनके लिए ये उपयुक्त है। तो ये कितने अनाज या फिर इसमें लोड डाल सकते हैं अपन इस ट्रॉली में? इसमें अपन 5 टन कैपेसिटी ऊपर तक भर सकते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी? और इससे नहीं, बड़े ट्रैक्टर पे 5 टन डालने के बाद बड़े ट्रैक्टर पे भी लगा सकते हैं अपन। अच्छा अच्छा, इस ट्रॉली को बड़े ट्रैक्टर पे भी यूज़ कर सकते हैं 35-40 हॉर्स पावर तक के? बिल्कुल। अच्छा, और इसमें हाइड्रोलिक पंप की कितनी कैपेसिटी है अगर इसको हाइड्रोलिक में यूज़ करते हैं तो? हाइड्रोलिक में इसको यूज़ करते हो तो 5 टन इसकी कैपेसिटी है हाइड्रोलिक सिलेंडर। अच्छा, हाइड्रोलिक सिलेंडर की 5 टन। चलिए, तो इसको बनाने में लगभग कितनी कॉस्ट आ रही है? कस्टमर अगर बनवाता है तो कितने की पड़ेगी ये ट्रॉली? ये 75,000 रुपये की पड़ेगी हाइड्रोलिक में। अच्छा, और टायर आप डाल के देंगे 75,000 में या फिर अलग से हैं? नहीं, टायर अलग रहेगा, बाकी सब कंप्लीट रहेगा। अच्छा, 75,000 में ये बिना टायरों के कस्टमर को पड़ेगी जी। कितने साइज़ के टायर इसमें उपयोग में आते हैं? इसमें अपने जो महिंद्रा नोवा आता है उसमें 750/16 के आते हैं, वो उपयुक्त है इसके लिए। अच्छा, महिंद्रा नोवा के 750/16 के टायर उपयुक्त हैं। फ्रंट टायर जो यूज होते टायर जो रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो बनाए बताइए इसके साइज़ वगैरह कितना क्या है और ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है इसकी, कुछ बताइए इसके बारे में। चौड़ाई इसकी 5 फीट है, लंबाई इसकी 8.25 फीट है और इसकी ऊंचाई जो रखी गई है वो 1.5 फीट रखी गई है। 1.5 फीट फ्लोर साइज। अच्छा, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तकरीबन 8 क्विंटल से 9 क्विंटल के समथिंग। अच्छा जी, चलिए और बताइए इसके बारे में कुछ खास जो कस्टमर को लेने से पहले सोचना चाहिए और अगर कोई आपके पास आके बनवाना चाहता है तो कुछ खास तो होगा इसमें और लोगों की अपेक्षा? और लोगों की अपेक्षा इसमें एक मेन विशेष बात ये है, भाई ज़रूरी नहीं कि बड़ा किसान है तो उसी के पास ट्रॉली हो, छोटा किसान जो सब्जी भाजी के लिए उसे ज़रूरत पड़ती है वो उसके लिए उपयुक्त है ये। अच्छा, जो सब्जी वगैरह करते हैं किसान उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर। हाँ, मंडी वगैरह ले जाने के लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि अनाज ही हो, सब्जी है, जो भी होता है अपने और भी एग्रीकल्चर में आती है, भाई कपास आती है, उनके लिए बेहतरीन। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है आपने। तो देखा दोस्तों आपने, इस ट्रॉली के बारे में हमने सब कुछ जाना सचिन जी से। अगर आपको ये बनवाना है तो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल इस फर्म की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं बनवाना तो आप अशोक मेटल वर्क्स रामलीला मैदान के पास ये फर्म है, आप आके संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में है और आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।